मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास फोर्थ। वी कंटिन्यू रीड चैप्टर 5, वेज ऑफ रिक्रिएशन। टुडेज टॉपिक इज रिक्रिएशन बाय आवर सेल्फ। हम अपने आप अपना रिक्रिएशन कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट, टेलीविज़न। ज़्यादातर आजकल सब लोग घर में रहना ही पसंद करते हैं और वो लोग इस समय टीवी देख करके अपना पूरा टाइम रिक्रिएशन करते हैं, ठीक है। और उसमें वो मूवीज़ भी देखते हैं, साथ साथ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स देखते हैं, एजुकेटिव प्रोग्राम्स देखते हैं। तो वो जैसे डिस्कवरी चैनल देख लिया, तो डिस्कवरी चैनल पे क्या आता है, एजुकेटिव प्लस एंटरटेन दोनों, जंगल, ठीक है। टेलीविज़न हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन इन रिसेंट टाइम। We watch exciting movies and various entertainment shows on it. हम बहुत सारी movies और entertainment programs इसके ऊपर देख सकते हैं। Then, television channels such as Discovery, History and National Geographic telecast programs that are both entertaining and educative. ऐसे प्रोग्राम्स एंटरटेनमेंट के साथ साथ एजुकेशन भी हमें प्रोवाइड करते हैं। इन दिस कॉलम यू टिक दोज टाइप ऑफ रिक्रिएशन दोज हु यू लाइक, जिसको आप पसंद करते हो, जिस तरीके से आप अपने आप को रिलैक्स करते हो, उस पर आपको टिक लगाना है। डू दिस योर सेल्फ। देन आफ्टर दिस, रीडिंग बुक्स, बुक्स को पढ़ना, गार्डनिंग, लिसनिंग टू सॉन्ग्स। गार्डनिंग मीन्स प्लांट्स लगाना, सॉन्ग्स लिसन करना, म्यूजिक मीन्स, एंड पेंटिंग आर आल्सो वेज ऑफ स्पेंडिंग लेजियर टाइम एट होम। लेजियर मीन्स फ्री टाइम, जो हमारा फ्री टाइम होता है घर पे, उसको हम इन सब काम को करके अपना टाइम एन्जॉय कर सकते हैं। गेम्स, गेम्स टू टाइप्स के होते हैं, आउटडोर गेम्स और इंडोर गेम्स। इंडोर गेम्स वो गेम्स होते हैं जो हम घर के अंदर रह कर के खेल सकते हैं, जैसे लूडो, चेस, कैरम, ये सब हम घर के अंदर ही बैठ कर के खेल सकते हैं। आउटडोर गेम्स, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, आउट, आउट मीन्स बाहर, डोर, डोर मीन्स दरवाज़ा, दरवाजे के बाहर जाके, मीन्स हम घर के बाहर जा कर के इन गेम्स को खेल सकते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, ठीक है। तो दोनों ही गेम्स हमारी बॉडी और माइंड के लिए ज़्यादा बेस्ट है, और दोनों में से आउटडोर गेम्स अगर आप खेलते हो तो आपकी बॉडी फिट रहेगी और वो एक्सरसाइज टाइप में हो जाता है, ठीक है। तो हमें आउटडोर गेम्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, इंडोर गेम्स को उतनी प्रेफरेंस नहीं दी जा सकती, क्योंकि इंडोर गेम्स से खाली माइंड तो डेवलप होता है बट हमारी बॉडी डेवलपमेंट लूज़ हो जाता है। सो रीड अबाउट गेम्स। गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दे कीप अस फिट एंड हेल्दी। ऑल द गेम्स दैट We play outside in the open are called outdoor games. Games can also be played indoor. When it is raining or it is hot or cold outside, we play some games sitting at home or in the covered halls. Such games are called indoor games. For example, Ludo, Carrom, Chess, etc. आउटडोर गेम्स आर यूजुअली प्लेड विद नेबरहुड फ्रेंड्स, जो हमारे पड़ोसी हैं उनके बच्चों के साथ, उनके बच्चे हमारे फ्रेंड्स बन सकते हैं आउटडोर गेम्स जब हम खेलते हैं। तो इससे सोशल चीज़ें भी हम सीख पाते हैं। सम चिल्ड्रंस प्ले ट्रेडिशनल गेम्स लाइक गिल्ली डंडा, मार्बल्स मीन्स कंचे, हॉप स्कॉच, स्टेपू एंड स्पिनिंग टॉप, लट्टू, एक्सेट्रा। Today only this we read. We continue in the next class. Thank you. Read it at your home.